अच्छा अमेज़न से है। बाबा लो चाय। तो करिए, अगर खोलने वाली हो कि ना तो अभी मैं दावत अपना तो चल जाएगा। और फ्रेंड्स अभी बच चुके हैं सुबह के 7 आयल में, सुबह जल्दी से उठ के। फ्रेंड्स अभी तो मैं स्कूल जाने के बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, बस बाल अभी बनाने, तो आपको बताऊँ कि अभी चुके हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह तैयार हो, सुबह सुबह तैयार क्यों हो गए? कहाँ जा रहे हो? क्यों बताओ ना, क्यों जा रहे हो? सुंदरा ले गए। अच्छा, भाभी के ससुराल? अच्छा अच्छा, किसके साथ जा रहे हो? गाड़ी से। किसके साथ? राशि के साथ। अच्छा, तो कितने देर में आएंगे? फोन करिए, पूछो कहाँ पे। वो जो पहले डीजे को भरवा रहे हैं गैस। अच्छा, आ जाएंगे, फोन क्या कर। ठीक है ठीक है, और बस चलो ठीक है फिर। फ्रेंड अभी हो चुके हैं रेडी जाने के अपने स्कूल। मम्मी चलो फिर स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली भी मैं अपने स्कूल से आ चुका हूँ। टाइम हो चुका है अभी शाम के 4, अभी दे रहा हूँ मैं सभी पौधों को पानी, किचन में आ गया हूँ, किचन से नोजल लगाते। अभी टाइम हो चुका है शाम के 4:30 बजे आ गया था अभी, जिस मैंने खाना ना खाया तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, इस कमरे में सब सो रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी आज बाबा गए हैं भरतपुर, जैसा आपको पता ही होगा सुबह, तो बाबा भी जा चुके हैं और अभी पापा भी आ चुके हैं दुकान से, 4 बज गए ना, तो अभी जबकि सब वहाँ पे सो रहे हैं और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सभी पौधों को पानी। तो चलिए देते हैं पौधों को पानी। फ्रेंड्स अब देखिए मैंने पाइप लगा लिया, यहाँ पे देते हैं सभी पौधों को फटाफट से पानी। अच्छा अमेज़न से। फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है शाम के 5:30, तब करने बैठ गया हूँ मैं पढ़ाई की। कल जो है मेरा हिंदी का टेस्ट है, तो देखिए ये रही मेरी हिंदी की बुक, ये मेरी हिंदी की बुक है। तो चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं अपना हिंदी का सिलेबस। फ्रेंड्स कल मेरा हिंदी का पेपर है, आज मेरा मैथ्स का पेपर था, और कल था इंग्लिश का पेपर, कल था इंग्लिश का पेपर, आज मैथ्स का, और कल है मेरा हिंदी का पेपर, उसके बाद है फिर मेरा SST का, फिर मेरा साइंस का। मेरे 22 को पेपर ख़त्म हो जाएंगे और अराउंड 23 या 24 के आसपास हम जाएंगे बुआ के घर पे तीजों के लिए, क्योंकि 31 जुलाई की तीजो है, तो अराउंड 23 या 24 को हम जाएंगे बुआ के घर पे तीजो देने के लिए, क्योंकि हम MWF तो जा नहीं सकते, कि MWF मेरी ट्यूशन होती है ना, तो उस दिन हम जा नहीं सकते, तो TET SST जा सकते हैं, यानी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे संडे, इनमें से वो एक ही दिन ही जाएंगे। और 23rd यानी 23rd को पड़ रहा है सैटरडे, 24th का संडे, तो इन दोनों में से किसी एक दिन जाएंगे, तो बस पेपर ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद चलेंगे बोर्ड के घर। और पहले हमारा प्रोग्राम था कि ये ममता बो के घर जाए, पर उस साइड से कावड़ का रास्ता चलता था, इस वजह से पूरा जाम हो गया, इसलिए पापा ने कहा ममता बो के थोड़े दिन बाद चलेंगे, पहले वहाँ दूसरी दोनों बो के काम करवा के गार्डन वाली बो के घर बाद में जाएंगे, क्योंकि घर के पास कावड़ वाड़ का सिस्टम है, तो सारा जाम वाम होगा, इसलिए नहीं जा सकते, तो बाकी बो चले बो के घर पर जाएंगे 23 या 24। फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और अब मेरी पढ़ाई डन नहीं हुई है, अभी मेरा टोटली 3 चीज़ आ रही है, 2 मेरे बुक के चैप्टर आ रहे हैं और 1 मेरा व्याकरण में आ रहे हैं अलंकार, तो मेरा अलंकार और 1 चैप्टर रह गया, 1 चैप्टर हो गया, काफ़ी लेंदी चैप्टर था तो हो गया, और आज ट्यूसडे भी है, तो चलिए चलते हैं मंदिर
विशाल चला के आते हैं, भगवान से बात ना करते हैं, मेरे इंटरेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए। फ्रेंड्स अभी तो मैं मंदिर तो पहुँचूंगा और आपको एक बात बताता हूँ कि अब दिक्कत ये होती है हमारे स्कूल में, जो मेरे तो अब तक दो टेस्ट हुए हैं, दो टेस्ट में मेरा दो तीन मार्क का तो पेपर छूट ही रहा है। रीज़न ये है कि एक तो इतने लेंदी पेपर आ रहे हैं ना ऊपर से, तो ये रीज़न है कि मैं आदत नहीं हूँ क्या, यानी मेरा रोज़ पिछले पेपर में मेरा तीन चार मार्क का छूटा था और इस पेपर में भी दो तीन मार्क का तो छूट ही रहा है। 20 मार्क का तो पता नहीं, 20 मार्क का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, इतनी ज़्यादा इतना कम टाइम पता ही नहीं लगता, 40 मिनट का टाइम होता है, 20 मार्क का टोटल 10-12 क्वेश्चन होते हैं, पता ही नहीं लगता यूँ टाइम क्या, जैसे अब कर रहे हैं दो क्वेश्चन करें, अगर हमने पेपर में सोच लिया ना तो टाइम ही क्या, दो क्वेश्चन करें टाइम मिलेगा सिर्फ 10-15 मिनट। मैं कहूँ हैं इतनी जल्दी जल्दी हर बच्चे का हाथ, तो मैथ्स के पेपर में बच्चों का 7-8 मार्क का छूट गया, सब बच्चे रोने लग गए, जितने मेरे क्लास के टॉपर्स हैं सबके सब रोने लग गए कि छूट गया। मैं कहूँ कोई बात नहीं, छूटते जाती है, टाइम भी इतना कम था, हर किसी का छूट गया क्योंकि अब ऑनलाइन था ना, ऑनलाइन गए सबकी आधा छोड़ आधा घंटा दे दो बस पेपर छूट गया, मेरा भी छूट रहा होगा, बच्चों का छूट गया और जो टॉपर्स है वो रोक। पंडित जी क्या चल रहा फिर देखिए अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है अभी रात के 9:50 और अभी मैं आ चुका हूँ बाबा के कमरे पर। अभी तक बाबा भरतपुर से आई नहीं है, बाबा भरतपुर गए थे सबको पता ही है, तो बाबा गए थे यहाँ से सुबह 8 बजे निकल गए थे, तो 4-3 घंटे का रास्ता था, तो मैंने बाबा को 6 बजे फ़ोन करा था, तो वो कह रहे थे अभी हम चल रहे हैं, तो 6 से 4 घंटे यानी 10 बज जाएंगे, बाबा को टाइम हो चुका है अभी 9:15। अभी मैंने आधे घंटे पहले बाबा को फ़ोन करा तो कह रहे थे अभी वो नोएडा में है और उन्हें अभी 1 घंटा और लगेगा, तो मैंने 8:45 पे करा था, तो ऑलमोस्ट वही 10 बजे के आसपास वो आएंगे। और अभी मेरा ऑलमोस्ट हिंदी का हो चुका है, बस मेरे अलंकार रह गए और एक आधा चैप्टर रह गया, बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया, वो भी मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ, तो वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म, तो वो भी ख़त्म करते हैं फटाफट से और अलंकार करके सो जाएंगे। या अलंकार में कल भी कर सकते हैं, अलंकार ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ही करना है, काफ़ी कम सिलेबस हमारा, वो कल स्कूल में भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे टेस्ट से 5 पीरियड हमारे पास टाइम होता है, यानी 2.5 घंटे का हमारे पास पीरियड का टाइम होता था, मैं तब भी कर सकता हूँ, बाकी सब दोस्तों से हेल्प हो जाती है, तो सुबह बच्चों के फटाफट से ख़त्म करते हैं, फिर सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है और बाबा भी आएंगे तो बाबा की भी वीडियो बनानी है, तो फटाफट से ख़त्म करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अभी बच चुके हैं रात के, तो जैसे मैंने फ़ोन करा बाबा कह रहे हैं बाहर ही हैं, तो कहाँ हो? सवा 10 होने वाली है, चलो ले जाओ मैं लॉक वॉक करके आता हूँ। फिर जैसे कि आपको ना पता था दादू, ऑलमोस्ट हम सो ही गए थे, फिर मैंने सोचा एक बार बाबा को फोन करके पूछ लिया, तो बाबा कह रहे मैं जस्ट बाहर गेट पे ही आ गया, तो फिर मैं बाहर चला गया, और देखिए ऑलमोस्ट टाइम मुझे 10:30 और बाबा पता नहीं कह रहे कि आप सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं, कह रहे जब यहाँ से गए थे तब भी उन्हें बिल्कुल भूख नहीं थी, वहाँ भी बस आधा परांठा खाया और कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भूख नहीं लग रही बाबा को, तब बाबा का गला भी बहुत खराब है, तभी जस्ट मैंने दवाई दिया, पापा ने मुझे कहा कि दवाई लेके आ रखी थी मेरे पास, तो थोड़े दिन पहले मैं रहता था, जब मेरा गला खराब था तो वही दवाई मैंने दे दी गले खराब की, तो अब पापा ने चेक करा तो हल्की बहुत बुखार भी लग रहा है पापा को, बाबा को हरारत सी हो रही है, तो पापा ने कही है देने के लिए क्रोसिन, बुखार नहीं हरारत सी हो रही है हल्की बहुत, तो पापा ऊपर से बाबा कह रहे हैं कि शरीर दुख रहा है और सांस वो बस जब मिलता है ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है बाबा को, तो ये डॉक्टर के लेके जाएंगे कल,
बाबा का टाइम हो गया ना डॉक्टर को ले जाने का, तो चलिए ये ले लिए, बस पानी लेना है, बाबा को दे देते हैं फिर दवाई। लो क्या दवाई लो, ये चली क्रोसिन। आराम से निकाल, फ्रेंड्स अब बाबा को मैंने दवाई दी थी, बाबा भी लगभग सो चुके थे, तो अब मैं भी सो ही जाता हूँ, मैं सब एडिटिंग करूँगा कल करूँगा, भी तो वीडियो 3-4 दिन पे शेड्यूल पड़ गया, तो आराम से कल शाम को कर लूँगा, कल सुबह जल्दी उठना है, कल मेरा पेपर भी उसकी थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना है, बाकी स्कूल से पहले तो टाइम भी मिल जाता है, तो उसमें मैं कर लूँगा। तो बस अब मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, आए पापा वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब साइड में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप वीडियो के अपडेट आते रहेंगे, मिलेंगे सोलह वीडियो साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।